भारत सरकार ने नई पेंशन स्कीम लागू की है, जिसके बाद उस स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवारजनों के सामने आर्थिक संकट खड़े होने की बात सामने आई है। इसको लेकर बैतूल में शिक्षक, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने NPS भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई है और पोस्टकार्ड अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को पोस्टकार्ड भेजकर पेंशन बहाली की मांग भी उठाई है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनकी पुरानी पेंशन स्कीम चालू करे ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। वहीं पुरानी स्कीम बहाल न होने पर कर्मचारियों ने कलम बंद, काम बंद करने का ऐलान किया है। ये NPS है, न्यू पेंशन स्कीम, जो केंद्र सरकार ने 2004 में बंद की है और राज्य सरकारों ने 2005 से बंद की है, जिसमें कि प्रदेश में 6.5 लाख कर्मचारी अधिकारी इससे प्रभावित हुए हैं और देश में 70 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित हुए हैं। NPS में ऐसा है कि हमारा 10% कटता है, 10% शासन मिलाता है और ये पैसा प्राइवेट कंपनियों को जाता है। ये प्राइवेट कंपनियां हमारा ही पैसा शेयर मार्केट में लगाती है। जब हमारा कर्मचारी अधिकारी रिटायरमेंट होता है तो मात्र उसे 1000 रुपये, 500 रुपये ही पेंशन मिलती है। अभी हम NPS भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं और पोस्ट कार्ड चला रहे हैं। पोस्ट कार्ड हम प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम भेज रहे हैं ताकि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ताकि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। जो न्यू पेंशन स्कीम है वो केंद्र शासन ने ही यानी उसको जारी किया है और अपने मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 से जितने भी कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत ही उसकी सदस्यता लेकर के अपना अंशदान कटवाना होता है। तो जितना परसेंट कर्मचारी का होता है उतने ही राज्य शासन उतना अंशदान मिला करके उसको NSDL में जमा करवाती है। और ये तो शासन के जो निर्देश हैं उस निर्देश के तहत ही हम कार्रवाई करते हैं और जो भी लाभ होता है वो नियम के अंतर्गत ही दिया जाता है। और न्यू पेंशन स्कीम का वो जो है जिस हिसाब से विरोध कर रहे हैं तो उनके ज्ञापन हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उनके इकट्ठे करके ज्ञापन, चूँकि नीतिगत निर्णय है ये शासन का, तो हम उनके ज्ञापन को लेकर के हम जो है संबंधित वरिष्ठ कार्यालय में भिजवा देते हैं ताकि वो अपने स्तर पे उसका निराकरण करें। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।